बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, राफिया दाऊद, और मेरे साथ मेरी को होस्ट हैं हिना महमूद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हम आपके साथ मिलाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि अपने अपने जो भी बड़ा दिन होता है या कोई भी ऐसी खुशियां होती हैं तो रॉयल टीवी जो है वो आपके साथ ज़रूर मनाता है और एक स्पेशल सी ट्रांसमिशन करता है। आज ईद उल अज़हा है, मेरी तरफ से, राफिया की तरफ से आप सबको ईद बहुत बहुत और पाकिस्तान से बाहर भी हमें बहुत से लोग देख रहे होते हैं। जी राफिया, बिल्कुल, हिना ने जैसे अभी कहा कि पाकिस्तान के बाहर भी जो लोग बैठे हैं उन सबको भी हमारी तरफ से, रॉयल न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बड़ी ईद है, बड़ी खुशियां हैं। हमने सोचा तो क्यों ना हम ऐसे गेस्ट को बुलाएं कि जो हमारे साथ मिलकर हमारी ईद की जो ट्रांसमिशन आज उसको मिलकर एक बड़ी यादगार में इसको कन्वर्ट कर दें। अच्छा, ऐसा है कि मैं इस सस्पेंस को बहुत ही जल्दी तोड़ देती हूँ ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं इस टाइम बैठे हैं और वो इस सस्पेंस का इंतजार कर रहे हैं कि देखते हैं आज कौन सा गेस्ट है, किसके साथ हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं। तो मैं इस सस्पेंस को तोड़ती हूँ और मैं तारीफ करवाने जा रही हूँ हमारे साथ इस वक्त जो स्टूडियो में, हमारे ट्रांसमिशन में, हमारे साथ जो ईद सेलिब्रेट करने वक्त इस वक्त हमारे साथ मेहमान भी उठे हैं जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। मौसीकी का बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि सरहद के पार जाके भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। अस्करी अवार्ड उनको मिल चुका है, उसके अलावा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी उन्हें मिल चुका है। किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, खूबसूरत आवाज के हामिल है अदील बरकी साहब। अस्सलाम वालेकुम, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी और हिना की तरफ से भी और रॉयल न्यूज की तरफ से। थैंक यू वेरी सो मच हिना, आपका भी थैंक यू तमाम देखने वाले व्यूअर्स का, थैंक यू। और उसी के साथ मैं एक और ऐसी शख्सियत का तारुफ करवाने जा रही हूँ की जिसका सुनकर आप सबके चेहरे पे इतनी प्यारी मुस्कान आ जाएगी। हसाना नाज़रीन एक इतनी बड़ी नेमत है, किसी को खुशी देना इतनी बड़ी नेमत है कि रोते को हंसा देना इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। कॉमेडी के किंग जिन्होंने अपनी 30 साल जिंदगी के मीडिया को दिए हैं, उन्होंने बहुत सारी फिल्म भी की हैं, स्टेज के काम भी किए हैं और टीवी के काम भी किए, बहुत से ड्रामा सीरियल। कॉमेडी के किंग जी गुफार लहरी साहब, अस्सलाम वालेकुम गुफार लहरी साहब, और आपको हमारी तरफ से बहुत ईद मुबारक, बहुत बड़ी ईद मुबारक। आपके दोनों को ढेर ढेर ईद मुबारक और माशाल्लाह आदिल भाई आपको मुबारक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसके अलावा हमारे साथ बस ये नहीं, और भी बहुत सारे गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे राफिया पूछना चाह रही थी, अगर हम बात करें ढोल बजाने की तो आपके माइंड में क्या आता है? इना मुझे ऐसा लगेगा कि एक जो एक आदमी है उसके लंबे से बाल हैं और वो ढोल बजा रहा है और सारी दुनिया उस पे झूम उठती है। लेकिन अगर कोई लड़की ढोल बजाए तो रियली उस पे तो हम ही नहीं बल्कि हमारे व्यूवर्स भी खुश भी हो जाएंगे और इस चीज पे प्राउड करेंगे। और इसके अलावा साथ साथ अगर ईद की खुशियां मना रहे हो तो कोई भी खुशियां मनाते हैं ढोल म्यूजिक एक लाजमी सा जुज होता है। हमारे साथ एक आज ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिन्होंने ट्रेंड सेटर, जिन्होंने पाकिस्तान में जो पहली खातून थी, या लड़की खातून तो नहीं कहूंगी मैं, बिल्कुल लड़की कहूंगी, जो लड़की हैं उन्होंने ढोल बजाना शुरू किया, हमारे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद हैं हूरिया हसमत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। ईद मुबारक, बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, काफी अरसे बाद मैंने इनको देखा है, मतलब शलवार कमीज में, क्योंकि ऑब्वियसली ईद है, बहुत अच्छी लग रही है। आप लोग भी बहुत प्यारे लग रहे हो, ईद पर तो सभी प्यारे लग रहे होते। इसके साथ ही बकरा ईद है, ईद उल अज़हा है, तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि अच्छा हम कौन कौन सी डिशेस बनाएंगे और क्या क्या खाने वाले हैं। राफिया, आपके माइंड में क्या आता है, व्हाट इज योर फेवरेट डिश? मेरे माइंड में कबाब, बारबेक्यू, हर चीज आती है, लेकिन इसके साथ ही ना मैं ये सोचती हूँ इतना कुछ खाने के बाद अगर मेरे अंदर इतना फैट आ गया, मैं इतना हेल्दी हो गई तो मैं क्या करूँ उसमें। बिल्कुल, और सब कुछ हर इंसान के फौरन से माइंड में आता है कि अगर मैंने ज्यादा खाना खा लिया तो मैं मोटी ना हो जाऊँ, और लड़कियों का तो स्पेशली ये मसला है। तो हमने आपके इस मसले का जो हल है वो निकाल लिया है, बल्कि हम निकालेंगे अपने इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो हमारे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जो कि रॉयल फैमिली का भी हिस्सा है, अक्सर आप उन्हें हमारे मॉर्निंग शो में भी देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कामरान खालिद के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक हिना। अच्छा, आपने इतना कुछ किया हुआ है, पहले मैं चाह रही हूँ अपने व्यूअर्स को बता दूं कि आप इतनी सी एज में योगा फिटनेस एक्सपर्ट हैं, क्रॉसफिट एक्सपर्ट हैं, प्लेयर ऑफ पाकिस्तानी मार्शल आर्ट टीम है, दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव, एंड नेशनल चैंपियन ब्लैक बेल्ट हैं, और उसमें ग्रेड्स होते हैं, कुछ बताएंगे आप? ब्लैक बेल्ट 5 डान। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को, व्यूअर्स को, जितने भी देख रहे हैं सबको दिली ईद की खुशियां मुबारक। और इसके अलावा ब्लैक बेल्ट 5 डान जो होते हैं, ब्लैक बेल्ट के ऊपर डेजिग्नेशन होती हैं, इसके ऊपर आप मास्टर्स होते हैं, डॉन्स होते हैं, फर्स्ट डॉन, सेकंड डॉन, थर्ड डॉन, इस तरह 11 डॉन होते हैं, उसके बाद रेड बेल्ट होती है, तो ये सीक्वेंस होता है।
सबसे पहले तो मेरे और आफिया की तरफ से आपको बहुत ज्यादा ईद उल अज़हा मुबारक। थैंक यू वेरी मच आपको भी। अच्छा मैं आना चाहूंगी अदील साहब आपकी तरह छोटे नहीं बहुत बड़े बड़ी ईद की तरह बहुत बड़े एक सिंगर हैं तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं मैं चाहती हूँ उनको कुछ गा कर अपनी खूबसूरत सी आवाज में कुछ गा कर आप उनको मैसेज दें। ईद मुबारक है एक्चुअली आप उन्हें ईद मुबारक जो है वो सिंगर है आप तो ऑब्वियसली गा के बोलेंगे सुरीली सुरीली ईद की खुशियाँ बांटे। थैंक यू वेरी मच इंशाल्लाह गा के भी ने सुनाएंगे। मुझे ये बताइएगा जब आप यहाँ आ रहे थे आपने सोचा कि आज रॉयल न्यूज वालों के साथ मैं ईद में आने जा रहा हूँ तो आपकी फैमिली ने नहीं पूछा कि आप सुबह सुबह जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं आप आज ईद का मौका है हमारे साथ मनाएं आपने हमें टाइम दिया रॉयल न्यूज को टाइम दिया क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बताऊँ कि हम आर्टिस्ट लोग जो होते हैं ये वाली सारी सख्तियाँ हमें बर्दाश्त करना पड़ती हैं और ईद पर या 14 अगस्त पर या किसी भी ऐसे त्यौहार पर जिसे हम मजहबी तौर पे समाजी तौर पे सेलिब्रेट करते हैं मनाते हैं उसमें हम लोगों को आना पड़ता है अपनी फैमिली को छोड़कर दोस्तों के पास। उसका एक बहुत अच्छा सा फ़ायदा भी हो जाता है कि आप ईद के वक्त में बैठकर इस कैमरे की आँख से अपने दूर दूर बैठे हुए रिश्तेदारों को ना सिर्फ मिल लेते हैं बल्कि उन्हें आप मैसेज भी कर देते हैं और ये इट्स हेल्प अ लॉट टू योर प्रोफेशन एज वेल। तो ये हमें करना पड़ता है फैमिली अब यूज्ड टू हो गई है और उन्हें अंदाजा है उन्हें भी आदत हो गई है। आप जब कहीं जाते होंगे किसी भी त्यौहार पे तो आप जब उठते होंगे तो उनके मुंह से ऑटोमेटिकली निकल जाता होगा कि जी आज तो आप हमारे साथ नहीं होंगे आज 14 अगस्त है 6 सितंबर है छोटी ईद है या बड़ी ईद है आप हमारे साथ नहीं बल्कि चैनल्स के साथ सेलिब्रेट करेंगे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि आपको उन्हें टाइम देना चाहिए उनको टाइम कब देते हैं फैमिली को सारा टाइम होता है एक्चुअली जो भी एफर्ट्स कोई भी बंदा करता है तो उसका जो रिजल्ट है या उसका फल जो है वो सारा उसका हल्का बाप के हिस्से में जरूर आता है। मेरा ख्याल है कि दोस्तों को फैमिलीज को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये एक ड्यूटी है जिसे हमें देना है टू सम एक्सटेंट दे फील प्राउड आई थिंक और ये उन्हें करना भी चाहिए। फिर ये है कि जब एक आर्टिस्ट स्टैब्लिश हो जाता है अपनी एक शनाख्त बना लेता है थोड़ी बहुत तो उसका जो हल्का अहबाब है वो बहुत वसी हो जाता है। अच्छा तो उसकी फैमिली अभी देखिए कि अभी मैं तो ये समझता हूँ कि जितने लोग मुझे चाहते हैं प्यार करते हैं सब आपकी फैमिली शेयर करते हैं सारे मेरी फैमिली है। वेरी गुड। और फिर ये जैसे लास्ट ईद में भी मैं आप लोगों के रॉयल के साथ था जी। इस दफा भी मौका मिला है आप लोगों की मेहरबानी कि बड़ी ईद जो होती है वो अपने साथ बड़े पैगाम यही लाती है। मीठी ईद में हम लोग और तरह की खुशियां सेलिब्रेट करते हैं लेकिन बड़ी ईद का बड़ा पैगाम गफार भाई ये होता है हुरिया आप भी इसमें एडमिट होंगे इसे में मेरे साथ जरूर मुत्तफिक होंगे कि ये ईद एसार और कुर्बानी के जज्बे की याद दहानी है। एक तजदीद वफा का दिन है एक ऐसा दिन है जिसमें आपको ये अंदाजा होता है कि कुर्बानी कितना बड़ा जज्बा है। जिस वक्त में ये फर्ज की गई थी सुन्नत इब्राहिम उस वक्त भी इसका मकसद गोश्त खाना या खिलाना नहीं था। कुर्बानी मोहब्बत के एक जज्बे को बताना था और आज इस जज्बे की बहुत शिद्दत से कमी है। बिल्कुल। तो मेरी ये दुआ और ख्वाहिश और एक मुसलमा हकीकत भी ये है कि ये जरूरी नहीं है कि गफार भाई कोई आदमी लाख दो लाख का की गाय या बकरा देता है तो वही पक्का मुसलमान है। शो ऑफ ज्यादा हो गया है ये एक रस्म शो ऑफ के लिए नहीं थी जबकि ये बन गई हुई है हमने बारबेक्यू रखा हुआ है आज घर में हमने ये डिश बनाई हुई है आज हमारे घर में ये इवेंट है ये इसलिए नहीं थी बेसिकली क्योंकि जबकि हमारे इब्राहिम ने तो अपने ख्वाब में जब देखा था तो अल्लाह पाक ने वहाँ पे इस्माइल की जगह दुम्बा रख दिया था तो फिर लोग ये बड़ा शो ऑफ करने लग गए हुए हैं आज तो मैंने ऊँट लिया है मैंने इतने बकरे देखेंगे कि मैं बल्कि ये बताना चाहूंगा एक आप लोगों को बात की याद रखिए जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते और जो लोग बकरा नहीं देते या गाय नहीं देते खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं है कि वो किसी उस मुसलमान से कम है जिसने 10 गाय दी हुई है हो सकता है उसकी हलाल की कमाई इजाजत नहीं हो। तो मेरा ख्याल है कि आप अपने जज्बों की अपने एहसार की कुर्बानी भी दे सकते हैं आप मुस्तहिक लोगों के काम आकर उस चीज में भी कुर्बानी का हिस्सा डाल सकते हैं और अपने से थोड़ा सा ऐसे लोग जो पैसे की कमी की वजह से किसी तौर ईद जैसी खुशियां वैसे नहीं मना पा रहे जैसे आप या सारा सदीकी वगैरह मनाते हैं जी। तो
उनकी आप हेल्प करें, ये भी आपकी एक कुर्बानी है। बिल्कुल, इतना अच्छा मैसेज दिया आपने। हमारी कुर्बानी को ये भी कंसीडर करें ना कि इस लोड शेडिंग के जमाने में और उसके दौर हम नमाज पढ़कर अपने घरों में कुर्बानी देके भागे हुए यहाँ आए हैं, तो ये भी हमारे इशार सवाल करूंगी गफार साहब से आपसे कि आपको तो बल्कि देखते साथ ही मेरे चेहरे पे बड़ी प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे अभी इतनी प्यारी बात करेंगे और हम सारे खिलखिला के बात बाहर भी कर रहे थे कि आपके चेहरे पे अजीब सी मुस्कान आती है। मगर ये ना कि मुझे नुकसान हो जाए। आप बताइए किस तरह से ईद उल अज़हा एक मोहब्बत का दिन है और इब्राहिम सलाम की सुन्नत का ये दिन है, बड़ा मुबारक दिन है और हम सब एक दूसरे के लिए शुक्र दूर करके अपने हम जो कुर्बानी देते हैं। अब देखे ना आजकल ये कुर्बानी तो हम दे रहे हैं, ये बाकी आदिल भाई ने जो इतनी बड़ी बातें कर दी इससे बड़ी मैं बात तो नहीं कर सकता, वो हकीकत है और सच और हक है। आज काम तो कई लोग बकरे भी चोरी करके लेके जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो बेचारा बकरा बेचे आया तो वो बकरा चोरी करके लेके, कई बकरों के ना सींग टूटे होते हैं। हाँ। तो कई लोग खुद ही ना जो बकरे बेचते हैं वो क्या उसे रेती लगा के अच्छी तरह अल्फी लेके ना दूसरा सींग लगा देते हैं। सारा के घर में गया उसका, उसने कहा कुर्बानी देनी है बकरे के साथ, यही उसने किया। बकरों के दांत नहीं होते, दांत ना बिल्कुल बकरों के दांत होते, वो दांत क्या कहते हैं कैंटन के पास देता बकरा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। उनके वालेकुम सलाम, क्या क्या बात है भाई? वो बात ये थी कि मैंने जी दांत लगवाना है। उसने सोचा था इसने बंदे ने लगवाना दांत, भाई 1000 फीस होगी। कहता यार अपने दांत जरा मजबूत करके लगाएगा क्योंकि मुझे मुझे जरा पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। कहता भाई मुझे पैसों की क्या लालच है, आपका दांत लगता है अंदर। कहता सर मैंने नहीं लगवाना, मैंने बकरे का लगवाना। कितनी देखेंगे ना, कितनी अच्छी बातें कर। बिल्कुल ये बात है, ये बकरों का एक सिस्टम है, बकरों में एक सेटअप चल रहा है दुनिया में। मगर ये देखना चाहिए कुर्बानी बकरे की, 1 साल उम्र हो तो उसकी करवानी होती है। अच्छा, 1 साल की आपके। अच्छा, ये भी जरा चीज क्लियर करें। हाँ। खीरा, दोंदा, चौगा, ये बकरों के नाम बिल्कुल, ये बड़े मजे। बिल्कुल, बकरे में आ रहे हैं बहुत सारे चीजें जान रहे हैं। खीरा वो साल का होता है, बच्चा होता है वो एडल्ट नहीं होता। हाँ जी, जो दोंदा होता है वो एडल्ट हो गया होता है, उसकी कुर्बानी जायज है, उसकी कुर्बानी, उसकी कुर्बानी। मगर उम्र 1 साल होनी चाहिए। अच्छा, उम्र 1 साल होनी चाहिए, गाय की होनी चाहिए 2 साल। आपको तो कुर्बानी की बकरों की वैसे भी बड़ी शिनाख्त है माशाल्लाह। मुझे तकरीबन 3 से 4 साल हो गए, मैं खुद कुर्बानी का जानवर लेने जाती हूँ। खुद करती हूँ, मुझे नहीं, खुद करती नहीं हूँ, पास खड़ी रहती हूँ सारी कैसे करके, लेकिन करती कैसे करके, कैसे करके, ये तो कुर्बानी होने वाली बात होगी। इतनी इतनी बोटियां करनी और इतना सारा। हाँ, वो ऐसा मैंने सर खाया। वो बात कर रहा था कि 2 साल उम्र होनी चाहिए गाय की और 5 साल का ऊंट होना चाहिए, ये उम्र है। अच्छा, 1 साल 2 साल फिर कुर्बानी होती है, इसके अलावा नहीं होगी। ये लाजमी है कि ये इसके बकरे के 1 साल उम्र होनी चाहिए और गाय के 2 साल और गाय नहीं लेनी। अच्छा, जब आप जानवर सिलेक्ट करते हैं तो क्या क्या क्वालिटीज देखते हैं उसमें? नहीं, मैं उनसे, मैंने क्या उनसे गाने सुने हैं, मैंने सिलेक्ट करना। आप तो मुझे गाने कहते होंगे, कॉमेडी ही ना ये करते। हाँ, देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम अच्छा स्माइल करते हो सीएनजी में तो बात ये है, बकरा बकरा ही है, गाय गाय है, ऊंट ऊंट ही है। तो ये अच्छा, यहाँ मैं एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप माशाल्लाह, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि गफार लहरी साहब अपने खुद मुंह से इतनी खूबसूरत आवाजें निकाल लेते हैं हर तरह की, चाहे वो बच्चे के रोने की हो या गाय के बोलने की हो। तो मैं यहाँ चाहूंगी कि आप थोड़ी सी आवाज हमारे व्यूअर्स को जरा सुनाएं। बकरा कैसे बोलते हैं? वो भी सुना तो बकरे की। वो एक बात याद आ गई, आदमी ना आजकल बकरे चोरी हो रहे थे, मैं बात जी बिल्कुल बिल्कुल चोरी हो रहे ना बकरे थे, ऐसे ही ना बड़े चोर हो गए बाहर के मुल्क, लेकिन नई मशीन बना ली। अच्छा, जो बकरे चोरी करते थे ना। अच्छा, मल्ले में चोरी करने, उन्होंने मशीन बनाई, उन्होंने एक साल में 1000 आदमी पकड़ लिए। उस मुल्क को देखकर दूसरे आदमी ने, दूसरे मुल्क ने मशीन बना ली, उन्होंने 2000 चोर पकड़ ली। सही। और उन्होंने देखकर तीसरे मुल्क ने मशीन बनाई, उन्होंने 3000 पकड़ ली। वही मशीन हमारे मुल्क में आ गई। सही। भाई पूछे आप कितने चोर पकड़े आपने, वही पूछे मशीन चोरी हो गई, वो भाई रात की मशीन ही चोरी हो गई। कितनी मजे की बातें कर रही है। बहुत आपको पसंद करती है। आज से मेरे फेवरेट है आप दोनों को हमेशा खुश रखे हमारी बड़ी खुशियों में यही है। हमारी आवाज बीच में रह गई है, देखिए आपको सुनाने लगा हूँ। पहले आवाज दो आदमी ना पढ़ बाहर के मुल्क चले गए, इंग्लिश दोनों को नहीं आती। आपको पता है बाहर हराम और हलाल खाने पकाए जाते हैं, वो दोनों टेबल में बैठ गए आपस में गुफ्तगू किस अंदाज से कर रहे हैं। अच्छा, अब दोनों बैठ गए, लावे मीडिया तो इंग्लिश नहीं आती, आती अपने आप को भी नहीं। अच्छा, बैरन बुला लगा बोली ना कि छोटे ना खा बुला यार बैरन। अब बैरों को किस अंदाज से बुलाया, खाना किस अंदाज से बुलाया बैरों को, बैरा देख रहे अच्छा मच्छर मारे, बैरा नजदीक है आयस। अब पहला बोला यारो दिस इज तोसा, बैरा परेशान, तोसा कौन सी डिश में, दिस इज तोसा यार, व्हाट तोसा, उनका अन पानी, व्हाट अन पानी, ओए फुलके फुलके, व्हाट
फुल के मैच पेड़ कट मारनी उस इंग्लिश ने मजाक डाल दिया। बहरे को पता लग गया वेटर को कि इनको इंग्लिश नहीं आती, गया दो बने दो प्लेटें गोश्त की लाकर उनके सामने रख दिया। अब दोनों बैठ रहे, ए मी दिया बतक दा गोश्त, कहना नहीं बतक दा नहीं मुर्गे दा, कहते बतक दा गोश्त साडे मल्ले जेड़ी बतक रेड़े थले आंदी मेरा बापू खुद लाल कहता मैं ते सौ के दस देना अल मेरे पीछे पूछ लेगी, ए बतक दा गोश्त। अब दोनों की दो दो सुबह शर्त लग गई, बहरे को बुलाया, इन्होंने वारो वारी जानवर और परिंदों की आवाज में पूछ रहे कि गोश्त की चीज क्या, क्योंकि इंग्लिश नहीं थी, दोनों बात अनपढ़ है। और बहरे को पता नहीं इंग्लिश आती, उसने भी जानवर की आवाज में बताने की गोश्त की चीज क्या। बहरे को बुलाया, बहरा नजदीक है, यस आप पहला बोला, बहरा बोला ओ नो ओ नो, फिर साना बोला ओ नो ओ नो, फिर पहला बोला मना रहे, फिर साना बोला फिर पहला बोला ओ नो, फिर साना बोला हमारी ये जितनी खूबसूरत बातें हैं ये तो चलती रहेंगी, लेकिन टाइम बहुत जल्दी गुजर रहा है और यहाँ पे टाइम है एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से वक्त के लिए।